वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स? ठीक है, मैं सईद बासित अली शाह, मोहम्मद अली प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आपको बताया, वर्ल्ड कप का 8वां मैच पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के दरमियान था, जो कि अहमदाबाद में खेला गया, सॉरी हैदराबाद में, जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और बैटिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी की, जिसमें निशंका ने जो है 61 रन की इनिंग खेली। कुशाल परेरा जो कि जल्दी आउट हो चुके थे, जिनको हसन अली ने आउट किया, उसके बाद कुशाल मेंडिस और सदीरा समावीर कमर के दरमियान बहुत ही अच्छी एक पार्टनरशिप रही। 5 रन पे एक खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद 107 रन पर दो खिलाड़ी आउट हुए, फिर 218 रन पर तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ। इस तरह श्रीलंका ने जो है अपने मुकर्रर ओवर में 344 रन बनाए और 345 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के आगे रखा। और अगर इस तरफ बात की जाए तो धनंजय अधीर सलवा ने भी 25 रन की इनिंग खेली। कप्तान जो दर्शन शनाका है, कुछ इतना खास परफॉर्मेंस ना दिखा सके और 18 गेंदों में 12 रन बनाकर शहीन शफरीदी का निशाना बने। और इस तरह देखा जाए तो शहीन शफरीदी जो कि बहुत ही महंगे साबित हुए, 9 ओवर्स में 66 रन देकर एक विकेट हासिल किया। हसन अली ने भी कुछ खास कह लें कि नुकसान दाता नहीं साबित हुए, लेकिन 10 ओवर में 71 रन देकर 4 खिलाड़ियों का आउट किया। उसके बाद हारिस रूफ ने भी 10 ओवर में 64 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए, जो कि आखिरी ओवर में 2 विकेट हासिल की उन्होंने। उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने भी 4 ओवर में 22 रन दिए। शताब खान ने जो है 8 ओवर में 55 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि हमारी स्पिनिंग जो है वो बहुत ही इस वक्त मुश्किल का सामना कर रही है, स्पिनर को चाहिए कि कुछ अच्छी खासी परफॉर्मेंस दें, पर वो नहीं दे पा रहे, वो मुसलसल नाकामी का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि अगले मैच में लाजमन, वो काफ़ी बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, तो अगर उस मैच में पाकिस्तान की स्पिनर डिपार्टमेंट नहीं चलता तो हम नाकाम हो जाएंगे पूरी तरह। तो काइंडली ये तो दरख्वास्त कर सकते हैं बाबर आजम से कि वो अगले मैच में समा मीर को चांस दे, चाहे नवाज़ के बदले दे दे, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक मैच में 2 लेग स्पिनर ठीक है नहीं, लेकिन आपके पास तीसरा चांस भी तो नहीं है, उसको खिलाना भी तो बनता है। और इसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो इमामुल हक और बाबर आजम कुछ खास ना कर सके। बाबर आजम वैसे भी बड़े टूर्नामेंट्स में कुछ खास नहीं करते, हालांकि बाबर आजम का तो कप्तान है, उनका काम बनता है टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करें, जितनी छोटी सीरीज हैं उसमें वो परफॉर्मेंस अपनी दिखा देते हैं, पर जितने भी बड़े मैच बड़े टूर्नामेंट्स में, एशिया कप ले लें, वर्ल्ड कप ले लें, आप T20 वर्ल्ड कप ले लें, उसमें आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखें, जीरो, बिल्कुल जीरो होती है। और आज भी वही बाबर आजम ने किया, इमामुल हक भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो उनको भी मेरे हिसाब से टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक जो कि कम बैक किया उन्होंने फ़खर जमान की जगह, और 113 रन की उन्होंने एक शानदार पारी खेली जिसमें 3 फलक शिगाफ छक्के और 10 चौके थे। इसके बाद मोहम्मद रिजवान जो के शुरू से लेकर एंड तक खड़े रहे और आखिरी गेंद पे सिंगल लेकर 131 रन बनाए उन्होंने और शानदार जिसे कहते हैं पारी खेली, और अपनी इनिंग में इन्होंने 8 चौके और 3 छक्के मारे। शाहूद शकील ने 30 गेंदों में 31 रन की इनिंग खेली, 2 चौके मारे। और एंड में इफ्तिखार अहमद इफ्ती बनिया जिन्होंने 10 गेंदों में 22 रन की इनिंग खेली, शानदार इनिंग थी, जितनी तारीफ की जाए काबिले समात है, क्योंकि बहुत अच्छी इनिंग खेली है उन्होंने। और दिलशान मधुशंका जो है श्रीलंका की जानिब से अच्छे बॉलर साबित हुए, जिन्होंने 60 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया और यही 2 खिलाड़ी आउट हुए। इसके बाद जो है पाकिस्तान ने जो है अपनी डूबती हुई कश्ती को संभाला, और इस कश्ती को संभालने का सबब यही बना कि पाकिस्तान ने जो है मैच 10 बॉल पहले 6 विकेट से जीत लिया, और ये शानदार कामयाबी है पाकिस्तान की। और अगर इस वक्त पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो पॉइंट्स टेबल में जो है पाकिस्तान तकरीबन दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। रन रेट थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान जो है अपने टूर्नामेंट के दफा में कामयाब इंशाल्लाह रहेगा। 2 मैच हो गए, अगला मैच जो पाकिस्तान का वो बहुत ही बड़ा क्रूशल मैच है, जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ 14 अक्टूबर बरोज़ हफ्ते को खेला जाएगा, जो कि 1:30 बजे अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसके बाद आपको मैच नंबर 7 की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का सोचा, और उन्होंने 364 रन बनाए
और कप्तान जो है जोस बटलर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला, बाकी भी जितने उन्होंने अच्छा खेला। इसके मुकाबले में जो बांग्लादेश 227 रन बना सकी और कुछ खास परफॉर्मेंस ना दिखा सकी, इस तरह रीस चोप ने उनके जो है इंग्लैंड के बल्लेबाज सॉरी बॉलर, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और चार खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरफ देखा जाए तो चार खिलाड़ी हसन अली ने भी आउट किए, उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस दी, वो भी कम बैक कर रहे हैं काफ़ी अर्से के बाद, और कम बैक करना कोई आसान नहीं होता, सौ मसले मसाइल आपको पता है आते रहते हैं टीम में। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।